हाय एवरीवन दिस इज वो आज का टॉपिक हमारे इंडिया में इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि बान आउल क्या होता है इसके देखेंगे. आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे पी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा देख लीजिए इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेस आपको सपोज बिहार के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं आपको स्टडी आई क्यू पे मिलेंगे यहाँ पे आप डिस्काउंट कोड वीरो थ्री थ्री यूज़ कर सकते हैं थर्टी थ्री परसेंट ऑफ के लिए स्टडी आई क्यू पर किसी भी कोर्स के लिए आप ये डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इन नंबर्स पर कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं अब देखिए ये जो बान आउल है इसको रेस्क्यू किया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा बिहार के सुपौल वाले एरिया में ये काफ़ी रेयर बर्ड है और जनरली अगर आप देखेंगे यूएस इंग्लैंड या यूरोपियन कंट्रीज़ में ही पाया जाता है रेयरली ही इंडिया में आपको कहीं दिखेगा तो ये प्रिंट मीडिया में भी इसके बारे में न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं दिसंबर की ऑलमोस्ट ये न्यूज़ है लास्ट ईयर तो लेकिन इसको हम कवर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिसम्बर में अगर ये आउल दिखा है तो इस पर कही कहीं ना कहीं स्पीशीज पर सवाल जो है वो आ सकता है क्योंकि स्पीशीज पर सवाल काफ़ी बार यू पूछता है अब बेस बेसिकली एक आदमी थे बिहार में उन्होंने यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है ह्यूमन एनिमल बॉन्ड का एग्जाम्पल उनको एक इंजर्ड आउल जो है वो दिखा और उन्होंने एकदम से जो ऑफिशल्स हैं उनको इसके बारे में इन्फॉर्म किया उन्होंने देखा कि एक इस तरह का आउल है एक बर्ड है जिसको कुछ क्रोज जो हैं वो इंजर्ड कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद वो जमीन पे गिर जाता है उनके घर के पास और इस बर्ड को आइडेंटिफाई किया जाता है कि इसका एक स्क्वायर फेस है वाइट प्लूमेज है जो डी हैं डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर वो इसको इस तरीके से तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं अब क्योंकि बहुत रेयर है ये बर्ड तो काफ़ी हाई डिमांड में भी रहता है ब्लैक मार्केट में अगर आप देखेंगे लाखों रुपए का ये आउल बिकता है क्योंकि आप जानते हैं कि आउल्स के साथ जुड़े हुए बहुत सारे हमारी सोसाइटी में मिथ्स भी हैं क्या मिथ्स हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगी अब नॉर्मली पहले बॉर्न आउल के बारे में बात करते हैं साइंटिफिकली इसको टाइटो अल्बा कहा जाता है बहुत ही वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीशीज़ है ये आउल की पूरी दुनिया में पर जैसे मैंने कहा इंडिया में काफ़ी रेयर है हर जगह आपको ये मिलेगा लेकिन पोलर और डेजर्ट रीजन्स में नहीं मिलता है और इसको कॉमन बान आउल भी कहा जाता है अब ये नॉक्टर्नल है यानी यूजुअली रात को एक्टिव होता है मोस्टली जो इसकी रेंज है उन एनिमल्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ लेकिन ग्रेट ब्रिटेन और कुछ पैसिफिक आइलैंड्स में अगर आप देखेंगे तो ये आउल दिन को भी एक्टिव होता है दिन को भी हंटिंग करता है अब किस तरह के एनिमल्स पे करता है छोटे जो मैमल्स होते हैं स्मॉल मैमल्स जो होते हैं उनको ये अपनी साउंड से लोकेट करता है और उनकी साउंड से लोकेट करके उनको हंड डाउन करता है मीडियम साइज रहता है इसका येल्लो पेल कलर में आपको ये आउल नजर आएगा काफी लंबे विंग्स हैं लॉन्ग विंग्स हैं इसके और शॉर्ट टेल है विंग स्पैन अगर देखेंगे 80 टू 95 सेंटीमीटर तक इसका जब अपने पंख फैलाता है तो इतना सेंटीमीटर 85 टू कितना बताया मैंने आपको 85 टू 90 सॉरी 80 टू 95 सेंटीमीटर तक इसका विंग स्पैन रहता है ब्रीडिंग सीजन की अगर बात करें ट्रॉपिकल रीजन में ये जो आउल है ये किसी भी टाइम पे ब्रीड करता है लेकिन कुछ सीजनलिटी इसकी नेस्टिंग में आपको अभी भी नज़र आएगी कुछ रीजन्स में वेट ड्राई रीजन एग लेंग जनरली ड्राई सीजन के टाइम पे होगी एरिड रीजन्स में ऑस्ट्रेलिया में ब्रीडिंग टाइम इसका काफ़ी रेगुलर है और शायद थोड़ी रेनी सीजन में हो तो इस तरह से टैटा अल्बा आपको दिखता है ग्रेइश ब्राउन बैक है वाइट स्पॉट्स के साथ वाइट हार्ट शेप्ड फेस आपको इसका नजर आएगा व्हाइट चेस्ट एंड बेली है और ब्लैक स्पॉट्स हैं इसके लॉन्ग लेग्स हैं तो इस तरीके से दिखता है ये अब इंडिया में अगर आप आउल्स की देखेंगे ऑलमोस्ट थर्टी स्पीशीज हैं और सभी के सब प्रोटेक्टेड हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बहुत सारे शकुन और अपशकुन जो हैं वो जुड़े हुए हैं आउल्स को लेकर ऐसा माना जाता है ये गुड लक लेके आते हैं विजडम लेके आते हैं लेकिन जो इनकी आवाज है कुछ आवाज ये निकालते हैं जिसको Uh, माना जाता है कि एक ओमन ऑफ डेथ उसको माना जाता है कि डेथ का सिग्नल है तो ये सब जो सुपरस्टिशंस हैं वो इसके साथ जुड़े हुए हैं हिंदू मेथोलॉजी में भी जो आउल है उसको जो गॉडेस लक्ष्मी है उसका व्हीकल माना जाता है कि उसकी सवारी लक्ष्मी जी की सवारी है आउल और लोग आप जानते ही हैं गॉडेस ऑफ वेल्थ हैं लक्ष्मी उनकी काफ़ी पूजा करते हैं दिवाली पे पूजा करते हैं ब्लैक मैजिक में लोग आउल का सेक्रीफाइस करते हैं कि माना जाता है बैड लक को मिटाएगा और प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा तो तभी मैंने कहा कि काफ़ी जो है मेथोलॉजी के साथ आउल जुड़ा हुआ है कंजर्वेशन स्टेटस आप देखेंगे लीस्ट कंसर्न है आई यूसी रेड लिस्ट में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन में शेड्यूल थ्री में प्रोटेक्शन इसको मिलती है लक्षद्वीप के लिए बताऊँ तो बान आउल को यहाँ पे कैंपेन भी चला था और ये कैंपेन क्या था यहाँ पे आउल्स को रिक्रूट किया गया था रोडेंट से छुटकारा पाने के लिए यूनियन टेरिटरी जो लक्षद्वीप की है उन्होंने तीन पेयर्स थे बान आउल के केरला से उनको रिक्रूट किया था कि वो रैट्स को मार सकें क्योंकि रैट्स कोकोनट की जो यील्ड थी उसको बहुत ज़्यादा तबाह कर रहे थे कोकोनट एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है इस आइलैंड का मनी लोग इससे काफ़ी रेवेन्यू जनरेट करते हैं और रॉडेंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे थर्टी टू फोर्टी परसेंट नुकसान हो रहा था टोटल यील्ड पे तो यहाँ पे तीन पेयर्स जो हैं अउल्स के वो इन्होंने लगाए थे कि कोकोनट प्लांटेशंस में उनको छोड़ दिया था और क्लोजली मॉनिटर किया था ब्रीडिंग के लिए और रोडेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए कि जो रॉडेंट्स हैं ये उनको ख़त्म कर सकें क्योंकि ये रॉडेंट्स पे फीड करते रॉडेंट्स यानी आपके रैट्स लक्ष्वदीप आइलैंड्स में रैट्स जो हैं यहाँ पे बहुत ख़ास बात है कि रैट्स आपको ट्री के टॉप पे मिलेंगे ट्री टॉप्स पे मिलेंगे इसलिए यहाँ पे जो नुकसान ये था कि जो बाकी के हंटर्स हैं रैट के हंटर्स क्या हैं जैसे कि कैट्स हो गए रैट स्नेक हो गया उसको इस परपज़ के लिए हम नहीं लगा सकते थे क्योंकि रैट्स ज़मीन पर नहीं थे ट्री टॉप्स पर रह रहे थे तो इसके लिए बान आउल जो था वो परफेक्ट प्रेडेटर था उसको ख़त्म करने के लिए इसलिए उसको यहाँ पर रिक्रूट किया गया था क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू बानाउल कैंपेन यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडिचेरी रिक्रूटेड थ्री पेयर्स ऑफ बानाउल फ्रॉम केरला टू हंट डाउन हंड रिस्पांसिबल फॉर डिट्यूडिटिंग इट्स कोकोनट यील्ड द कैंपेन वाज लॉन्च्ड एज आइलैंड्स आर अ डिजिग्नेटेड ऑर्गेनिक जोन वेयर द यूज ऑफ केमिकल्स फॉर पेस्ट कंट्रोल इज नॉट अलाउड आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे बता सकते हैं जो टेलीग्राम पे पोल है उस पर आप सही आंसर इसका जान सकते हैं बाकी आप वेबसाइट विजिट कीजिए एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज़ की जानकारी के लिए कोर्सेज़ ई एम आई पर भी अवेलेबल हैं थैंक यू सो मच